हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको भी बता दूँ सैटमेट ग्रुप एप्लीकेशन के बारे में। ये सैटमेट एप्लीकेशन, जैसे इस पर क्लिक कीजिए, इसके बाद ये आपको यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा। इसका भी है, मैं डेमो का लॉगिन कर रहा हूँ। तो अगर आपको रिमेम्बर करना है तो रिमेम्बर मी कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे लॉगिन होता है, ये इसका होम पेज ओपन होता है। इसमें आप अगर रिचार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालिए। ऐसे आप मोबाइल नंबर डालते हो, ऑटोमेटिक ऑपरेटर आ जाता है। अगर आपको ब्राउजिंग प्लान्स यानी कि ऑफ़र देखने हैं तो आप जस्ट ब्राउज प्लान पे क्लिक कीजिए। आपको फुल ऑफर्स, SMS, 2G, लोकल, STD, ISD, रोमिंग, 3G, टॉपअप, 4G एंड अदर्स, यहाँ पे सारे टाइप्स के ऑफर आपको दिखाई देंगे। जो चाहिए सिलेक्ट कर लो और जस्ट आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन पे। जैसे आप पे करते हो तो वो रिचार्ज हो जाता है। DTH का भी सेम है, DTH नंबर डालो, ऑपरेटर DTH का सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, और इन केस आप मोबाइल रिचार्ज पे अगर आपका नंबर कोई पोर्टेबल है, सपोज़ मान लो कि ये मेरा है नंबर 7030512346, ये पहले वोडाफोन था लेकिन अब ये एयरटेल है। अगर ऐसा आप कोई पोर्टेबल नंबर है तो जस्ट आपको वोडाफोन नेम पे सिलेक्ट करना है और जस्ट वहाँ पे एयरटेल कर देना है। सो ये वर्क हो जाते हैं। ये इसके बाद आता है ऑप्शन रिसेंट रिचार्ज। यहाँ पे आपको पूरा रिचार्ज का हिस्ट्री मिलेगा। अगर कोई रिचार्ज, अगर आप कोई डिस्प्यूट लगाना चाहते हो कि मतलब ये रिचार्ज का कुछ फेल्ड है, इसका बेनिफिट नहीं मिला, तो यहाँ पे जस्ट डिस्प्यूट कर दीजिएगा और रिमार्क डाल दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे रिमार्क डालते हैं टेस्ट, जो भी आपका डिस्प्यूट है वो क्लियर कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका रिपोर्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे है स्पेशल रिपोर्ट, यहाँ पे रिचार्ज नंबर डालिए, कौन से डेट से कौन से डेट तक, उसका आपको सेल मिल जाएगा। लीजर रिपोर्ट में आपको आपके पूरे अकाउंट का डिटेल्स मिल जाएगा, कितना पैसा आया था, कितना गया, कितना कमीशन मिला, कौन से इसको कितना डेबिट हुआ। ओके, डिस्प्यूट रिपोर्ट में आपको जो रिचार्जेस फेल्ड है, रिजेक्टेड, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। फोन रिक्वेस्ट रिपोर्ट, यहाँ से आप फोन रिक्वेस्ट डाल सकते हो तो उसका आपको क्या स्टेटस आया वो दिख जाता है। ओके, DMR रिपोर्ट, DMR यानी कि मनी ट्रांसफ़र होता है, इसका आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। यूज़र डे बुक में आपको डे बुक मिल जाएगा, जो भी डेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम कल की डेट का डे बुक देखेंगे तो यहाँ पे उसका कल का टोटल आपका हिस्ट्री आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कमीशन स्लैब। जो स्लैब आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर से मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में डायरेक्टली आपका नेम आ जाता है, मोबाइल नंबर और ईमेल। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिन पासवर्ड करके। अगर आप ये पिन पासवर्ड रखना चाहते हो तो मतलब जब रिचार्ज करोगे तब उसको पिन पासवर्ड पूछेगा। अगर आप पिन पासवर्ड रखना चाहते हो जस्ट ये पिन पासवर्ड क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालिए। ओके, और ओके कर दीजिए। अब ये पिन पासवर्ड सिक्योर है, मतलब जब भी आप रिचार्ज करोगे, मान लो यहाँ पे आप रिचार्ज कर रहे हो 10 रुपीज़ का, पे करने जाओगे तो ये आपको पिन पासवर्ड पूछेगा। जैसे आप आपका पिन पासवर्ड डाल दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अभी मैं पिन पासवर्ड फिर से ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिलते हैं। ये करंटली ऊपर आपका बैलेंस शो होते रहता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इससे पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का नंबर डालिए, ऑपरेटर मतलब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टेट का है और अमाउंट डाल दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ से आप लैंडलाइन बिल्स भी पेड कर सकते हो। ओके, इनकेस आपको DMR के बारे में बताता हूँ। अगर आप DMR है, DMR यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बेनिफिशियरी करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड बेनिफिशियरी करो तो उसका नेम, उसका बेनिफिशियरी नंबर और उसका बैंक आपको सिलेक्ट करना है। ओके, जस्ट आपको सारा सिलेक्ट करना है। ऐड बेनिफिशियरी करने के बाद उसका IFSC पूरा क्रिएट कर देना है उसको, और डायरेक्टली मनी सेंड हो जाएगा। ओके, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र का आपका डेली लिमिट आता है 50,000 रुपीज़ का, नॉन KYC का। यहाँ पे आपका लिमिट कितना यूज़ हो चुका है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके,
इन इस पर अगर आपका बैलेंस ऊपर अपडेट नहीं हो रहा है ठीक से तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो और इसका ऑपरेटर अपडेट कर सकते हो, मतलब अगर कोई नया ऑपरेटर आया कोई चेंजेस तो। ओके,